आम आदमी के केजरीवाल जी आए थे सिर्फ अपने अपनी स्वार्थ के लिए। हमारी पार्टी पुरानी सभी सीटों पे दावा कर रही है, जनके चोट पे कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि 6 सीट और 1 राज्यसभा हमको दिया जाए। कुछ समय पहले तक सिर्फ एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज थी, अब कह रहे हैं कि किस गठबंधन का हम लोग हिस्सा होंगे, दोनों ही बातें निकल कर सामने आ रही। हाजीपुर सीट मैं बोल दिया हूँ, हमारा सीट है, किसी को चिढ़ हो जा रही है नाम सुनने से, तो अभी तो शुरुआत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। कल पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई, इसमें तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो पटना की धरती पर पहुंचे और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये बैठक सफल हुई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से कल विपक्षी एकता की बैठक की गई पटना में, कहा जा रहा है बैठक सफल हुई है, सब चीज़ों पर बातचीत हो गई। नहीं नहीं, कैसे इसको सफल माना जाए? देखिए, हम लोग भी बहुत ज़बरदस्त वो था, एक उत्सुकता बनी हुई थी पूरे देश को, चूँकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसी ने बड़ा विपक्षी एकता की कल्पना की थी, बुलावा किया था, बैठक की थी, तो नीतीश कुमार जी किए थे। लेकिन कल कहाँ पे, आप बताइए, नवीन पटनायक जी आपके 5 बार 4-4 बार के मुख्यमंत्री वो नहीं थे, चंद्रशेखर राव जी नहीं थे, जगनमोहन रेड्डी जी नहीं थे, मायावती एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी नहीं थे, ऐसे बहुत सारे नाम थे जो नहीं थे। तो इस उसके बाद जो लोग आए थे उन लोगों में कहीं तालमेल नहीं दिखा, एकदम स्पष्ट रूप से आप देखेंगे बैठक के बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था कि नीतीश कुमार इसके संयोजक बनाए गए, फ्लैश न्यूज़ हम बहुत सारे मतलब अच्छे चैनल महत्वपूर्ण चैनल पे देखे, बहुत सारे पोर्टल पे भी आप लोगों के बढ़िया पोर्टल पे देखे, लेकिन कहीं कुछ निर्णय नहीं हो पाया। इसलिए स्पष्ट रूप से अंदर की जो खबर ये है कि नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार जी के जो आयोजन पे उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, नीतीश कुमार पे किसी भी लोगों का भरोसा नहीं है कि कब ये किधर पलट जाएंगे। आज भी उन महागठबंधन के कुछ पार्टियों को मतलब जरूर ये डर है कि ये कहीं पुनः ये भाजपा की गोद में चले जाए, इस बात का डर है, इसलिए इसको फ्लॉप शो कहेंगे। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि बैठक सफल रही है, सब कुछ तय हो गया, अरविंद केजरीवाल की भी जहाँ तक बात हो रही थी बैठक का बहिष्कार कर रहे थे, अध्यादेश का सब लोगों ने जिस अध्यादेश की बात कर रहे थे जिसके वजह से बैठक का बहिष्कार किया जा रहा था, उस पर भी सब लोगों ने नहीं। देखिए, एक चीज़ बता दूँ, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो आप पार्टी है उसके एक प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था, हमको जहाँ तक याद है, कि एक तो ये जो अध्यादेश आया इसके खिलाफ वोटिंग में राज्यसभा में कांग्रेस मदद करे मेरी, और दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस चुनाव लड़े, तो हमको कहाँ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, कहाँ उन्होंने बोला कि उनके अध्यादेश। देखिए, वो आम आदमी के केजरीवाल जी आए थे सिर्फ अपने अपनी स्वार्थ के लिए कि राज्यसभा में मेरे खिलाफ वोटिंग में सब पार्टियाँ साथ दें, अंदर से ये लोग कोई अंदर से तालमेल नहीं है। और देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केजरीवाल जी अपने कुनबे के साथ यहाँ से चले गए थे जी। हाजीपुर और जमुई की सीट पर आपकी पार्टी दावा कर रही है, ऐसे में चाचा पशुपति पारस का, हमारी पार्टी पुरानी सभी सीटों पे दावा कर रही है जो हमारे संस्थापक के नेतृत्व में तालमेल में मिला था, जिसमें हाजीपुर और जमुई है, तो क्या गुनाह कर रही है? हमारे 6 सीट जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने समय में 6 सीट और 1 राज्यसभा में तालमेल हुई थी, तो वह आज मांग कर रहे थे, क्या गुनाह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मांग कर रहे हैं, तो क्या गुनाह है उसको बताइए ना। हम तो कह रहे हैं कि डंके चोट पे कह रहे हैं कि हम मांग रहे हैं कि 6 सीट और 1 राज्यसभा हमको दिया जाए, ये तो कहीं छुपी वाली बात नहीं है, मांग रहे हैं एकदम डंका चोट पे मांग रहे हैं। अच्छा, जीतन राम मांझी जाकर के एनडीए में शामिल हो गए, क्या कारण है कि अब चिराग पासवान को देरी हो रही है एनडीए में शामिल होने को लेकर? जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अभी यही चर्चा का विषय है, एनडीए का ही हम हिस्सा होंगे, तो उसको लेकर के तमाम बातें सामने आ रही है, बीजेपी से नाराजगी उनकी समझ में आ रही है। कोई नाराजगी नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी अपने निजी कारण से बाहर गए हैं, आएंगे, हमको उम्मीद है बहुत जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा किस गठबंधन से कितने सीट पर कहां कहां लड़ेंगे हम। तो देरी क्यों हो रही है? थोड़ा बहुत देरी होती है, देखिए किसी चीज़ को वैसे हम लोग एनडीए से अपने को अलग किए थे, उसके बाद हमारी पार्टी तोड़ी गई थी, तो बहुत सारी दुर्घटना के बाद जो पुनः मान लीजिए जिस हिसाब से चिराग पासवान मजबूती से उभरे हैं,
आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखी होंगी उपचुनाव में हमारे नेता को लगातार संपर्क करके नेता को समर्थन लिया हमारे नेता से, तो ये मजबूती है हमारी, ये हमारे कार्यकर्ताओं हमारे नेता के चाहने वालों की बिहार में जो लोकप्रियता उसको देख के, तो ऐसी परिस्थिति में जल्दी हम लोग समझौता करेंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, कुछ समय पहले तक सिर्फ एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज थी, अब कह रहे हैं कि किस गठबंधन का हम लोग हिस्सा होंगे, दोनों ही बातें निकल कर सामने आ रही है, क्या कारण है? देखिए, किसी के साथ अगर समझौता होता है तो मान सम्मान के साथ समझौता होता है, पूरी नीति और नियत एक करके समझौता होता है। हमारे नेता लगे हुए हैं चिराग पासवान जी, हमको लग रहा है जल्द ही आपको समझौता होगा और आपके बजाबते आपको बुला करके आमंत्रित करके इसकी घोषणा भी हम लोग करेंगे। और हाजीपुर की सीट के लिए क्या? हाजीपुर सीट मैं बोल दिया हूँ, हमारा सीट है हाजीपुर नहीं, समेत जितनी 6 सीट पे हमारे संस्थापक ने समझौता करके एक राज्यसभा सीट पे गए थे, वो सीट हमको, हमारा मांग है, काम का रंग नहीं मांग है, और हाजीपुर आएगा और हमारी इच्छा व्यक्तिगत है। अब किसी को चिढ़ हो जा रही है नाम सुनने से, तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ उनको भोगना है। देखिए, ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।